नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल घरेलू ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मटे के आलू की सब्जी कैसे बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मटा के आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू ले लेंगे उबले हुए और उसको हम फोड़ लेंगे बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से फोड़ लेंगे आलू को। अब हमने आलू को बारीक बारीक टुकड़ों में कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर कढ़ाई रखेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे और तेल इसमें थोड़ा ही डालते हैं, मटे की सब्जी में तेल ज़्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है इसमें। बीच बीच में एक बार बार हम इस तरह से तेल को चला लेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। मटे की आलू जीरे से, अगर जीरा ना हो तो हम लौंग से भी उसको छोंक सकते हैं, लौंग उसमें पीस के डाल सकते हैं। ये देखिए हमने जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और इसमें आलू डाल देंगे। अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इस तरह से तोड़ देंगे। और ध्यान रहे मटे के आलू आलू थोड़ा ज्यादा हो, आलू तोड़ते हैं और मट्ठा डालते ही तुरंत मटे के आलू फट जाते हैं, लेकिन आलू कम नहीं डालें, मात्रा बराबर होनी चाहिए। इस तरह से चला देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। खट्टा हो तो उसी हिसाब से डाल, कम खट्टा है थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, ज्यादा खट्टे अच्छे नहीं लगते हैं। अब इसमें हम हमारा मट्ठा अगर ताजा है तो हम बेसन भी लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा बेसन कटोरी या किसी में घोल के डाल सकते हैं। हम तो ऊपर से ही इस तरह से चुटकी से डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। तो हमारे ये ताजे मट्टे से मट्टे के आलू फट जाते हैं, अगर एक दिन पर रखा हुआ है तो नहीं फटे फटते हैं। अब हम इसमें मट्ठा डाल देंगे। ये देखिए मट्ठा डालते ही इसको चलाते रहेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, नहीं तो ये फट जाएंगे। ये सब्जी में यही तो खासियत है कि जब तक सब्जी ये खोलना शुरू ना हो जाए, उबाल आना इसमें शुरू ना हो जाए, तब तक इसको बंद नहीं करते हैं, कंचुली की सहायता से चलाते ही रहते हैं, नहीं तो ये सब्जी फट जाती है। इसलिए इसको बराबर चलाते रहेंगे इस तरह से और गैस को बढ़ा देंगे। तो हम इसको देखते हैं, लगभग इसमें लग जाएंगे 10 मिनट खोलने में। अब हमारा 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए हमारी ये सब्जी खोलना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये हमारी जितना ही मट्ठे के आलू या मट्ठे की सब्जी को आप पका सकते हैं उतनी ही टेस्टी बनती है। तो इसको हम पकने देते हैं। तो देखिए अब इसमें हम नमक और मिर्च भी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, इसमें गरम मसाला वगैरह ना डालें तो भी अच्छा है, क्योंकि इसमें उसमें अच्छी नहीं लगती इसकी। और मिर्च डाल दें, थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है।
खोलने देते हैं, पक जाएगी अच्छी तरह से। ये सब्जी हमारी पक चुकी है, अब इसको हम दूसरे बर्तन में कर लेंगे। अगर दूसरे बर्तन में नहीं करेंगे इस सब्जी को, तो इसमें एक चीज हो जाती है, जो लोहा होता है इसका कढ़ाई का, वो है वो इसी में इसका असर कर देता है, इसलिए इसमें लोहे की खुशबू आने लगती है कढ़ाई में जो सब्जी होती है उसमें। तो चलिए हम दूसरे बर्तन में कर लेंगे इसको। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, धनिया बहुत अच्छी लगती है इसमें, धनिया की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आने लगती है, इसलिए इसमें ज़्यादा धनिया डाल दें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं, अपने मन की बात है, अपने स्वाद की बात है। ये देखिए अब हमने इसको मिला लिया है, अब हम इसको दूसरे बर्तन में कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, जबकि क्योंकि ये तुम्हारी ये जो वीडियो है ये आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।